पंजाब के पटियाला में राहुल गांधी के रैली को लेकर लगातार चर्चा जारी है। पटियाले से राहुल गांधी लगातार लाइव इस वक्त हर जगह नजर आ रहे होंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस अग्रेसिव है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया। पंजाब में अभी तक देखा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी के स्टेटमेंट की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री के फैसले के बीच पंजाब में काले अंग्रेज आ गए हैं, ये भी कहना अगर देखा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी का सवालों में। चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवंत मान को मोहरा बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं वो खुद ही। उन्होंने कहा कि भगवंत मान तो मोहरा है, सीएम चन्नी ने ऐसा क्यों कहा, सवाल ये है इस पर। तो आपको बता दें, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब में उतारे गए हैं, उनके खिलाफ चरणजीत चन्नी का पूरी तरह से इस वक्त ये स्टेटमेंट देना कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर फंस गए हैं, सवालों में है। चरणजीत चन्नी ने ये भी कहा है, मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं और सब बेच दिया है, हर चुनाव में मैंने प्रॉपर्टी बेची है, ये कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने। अब आपके खिलाफ इनकी लड़ाई लगातार जारी है और इस सब के बीच राहुल गांधी का कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर लगातार पटियाला में कहना, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक कांग्रेस का सक्रिय होना, पंजाब में सीएम पद को लेकर अभी फिलहाल कांग्रेस आप से आगे नहीं, आप और कांग्रेस टक्कर में नजर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बीते कल की शाम जो हुआ इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी और भी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा साजिशें मेरे खिलाफ रची जा रही है, सबको पता था कि वो उड़ान भरने वाले हैं लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, उड़ान की इजाज़त नहीं दी गई चंडीगढ़ में उन्हें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के चलते ही इस तरह के फैसले लिए गए। इसी पर चरणजीत सिंह चन्नी का जवाब जो है सवालों में है। सबने कहा क्यों आखिर ऐसा उनके साथ हुआ, हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिलने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार जवाब दे रहे हैं और इस तरह से लोगों की भावनाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण नहीं भर पाए वो हेलीकॉप्टर से उड़ान, ये साफ तौर पर उनका कहना है। वहीं राहुल गांधी की रैली के लिए भी सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत न मिलने की वजह से राहुल गांधी और भी ज्यादा भड़के हुए हैं। अब राहुल गांधी ने सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तो बीते एक हफ्ते पहले ही ऐलान किया, लेकिन अब राहुल गांधी पटियाला में क्या कह रहे हैं इस पर चर्चा करना चाहेंगे हम, क्योंकि इस वक्त पटियाला की जनता को पंजाब में कांग्रेस की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी की रैली सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कैंपेन में राहुल गांधी जोरों शोरों से चरणजीत सिंह चन्नी का प्रचार कर रहे हैं और जनता उनकी तरफ खींच भी रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिले इस मामले को वो खुलकर सामने ला रहे हैं। पंजाब पोल्स की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेडिक्शंस की बात करेंगे हम, उन्होंने पहले भी चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर अपना पूरी तरह से नाराजगी सामने लाकर रखी, लेकिन अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी का कांटे की टक्कर भगवंत मान से चल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी लाइव आकर बार बार ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शांति है। इसी के साथ इशारा उन्होंने कर दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा ने जो किया है और बाकी पार्टियों के सदस्य की बात की जाए तो कांग्रेस इसलिए भी मजबूत है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने पंजाब के लोगों की शांति और वहां की भलाई को सबसे ज्यादा आगे रखा। किसानों के हर जरूरत के लिए हमेशा पंजाब में कांग्रेस से खड़ा रहा है। इस तरह से राहुल गांधी पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत कर रहे हैं और जनता का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।